पांचवा अध्याय श्लोक 11 से 20 का Yeah.
Yeah.
प्रवचन परम हृदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम तत्व है इसका कोई पता नहीं। वेद तत्व इतना अपार असीम है जिसको कोई पार नहीं। सृष्टि में बहुत थोड़ी बात प्रकट हुई है, उसको भी जानने वाले बहुत कम है। अपार अनंत असीम शक्ति है। मनुष्य तो एक रुपये में ही फंस गया, जिससे कई चीजें खरीदी जा सकती है, ऐसे रुपयों का महत्व देता है। रुपयों से खरीदी जाती है चीज वो कम कीमती होती है। दुकानदार से घड़ी खरीदी जाए और 100 रुपये में मिले तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं, मानो 100 रुपयों से कम कीमती चीज 100 रुपये मिलेगी। कोई चीज हम लेंगे तो रुपयों से कम कीमती होगी, तभी रुपयों का उस पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो वो चीज देगा। और चीज से कम कीमती रुपये होगी तो वो चीज देगा नहीं, क्यों देगा? तो चीज मिलने वाली कमजोर होती है, परंतु दोनों का विचार किया जाए तो चीज कीमती अधिक है, रुपया इतना कीमती नहीं है। क्योंकि रुपया खुद काम नहीं आता, चीज खुद काम आती। जैसे अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, औषध है,
ये चीज खुद काम में आती है शरीर के, रुपया खुद काम नहीं आता, चीज के द्वारा काम आता है। तो रुपया साधारण इनसे वस्तु है, चीज है, वो कीमती है। वस्तुओं से कीमती है जीव जंतु, वृक्ष, और वृक्षों से है गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा गधा, ये वृक्षों से कीमती है। आज तो ये हो गया कि रुपया कीमती, रुपये ने सब खरीद रह गए, तो स्वीकृति प्रदान होने से बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई। ये जो चीजों वस्तु है उनसे ये प्राणी स्थावर जंगम, ये श्रेष्ठ जंगम, स्थावर से जंगम श्रेष्ठ है। जंगमा में भी देखा जाए तो गाय बहुत श्रेष्ठ है, परंतु आज गाय के मारने से रुपये ज्यादा मिलते हैं, इस वजह से गोहत्या हो रही है, रुपयों को कीमत ज्यादा दे रहे हैं। रुपया स्वयं चीज वस्तुओं से रद्दी है, स्वयं काम नहीं आता, वस्तु में काम आती है। और गाय से तो गोबर और गोमूत्र होता है। हमने गांधी जी संपादक थे नवजीवन, ये अखबार निकलता था, उसमें मैंने पढ़ा था एक बूढ़ा बैल है, वो गोबर और गोमूत्र करता है, वो चारा खाता है, उनसे ज्यादा कीमती उन्हें देता है। तो जीता हुआ बैल बूढ़ा भी देता है, तो गाय तो बछड़ा भी देती है, दूध देती है, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, छाछ है, कितनी कीमती चीजें पैदा होती है, बछड़े बछड़ी पैदा होते हैं, जिससे और अधिक अधिक उत्पादन चीजें उत्पन्न होने वाली पैदा होती है, उनसे भी अधिक है मनुष्य। आज मनुष्य का तिरस्कार कर देते हैं रुपयों के लिए। छोरी ब्याही गई, दहेज कम दिया, उस छोरी का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, और मैंने सुना है साफ साफ के मार देते हैं कि दूसरा ब्याह होगा तो रुपये और आएंगे, इस वजह से मार देते हैं छोरी को। ये बात एकदम सच्ची है, मैंने सुनी है। और तिरस्कार अपमान तो करते ही, तो बहुत जगह सुना है। तो बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, सिक्का और सिक्के की भी संख्या पर चलेगी, सिक्का खुद तो काम आवे, संख्या क्या काम है, संख्या अधिक बढ़ने से चोर है, डाकू है, राज है, ये सब गिर दृष्टि से देख रहे हैं। तो संख्या का अभिमान हो गया, संख्या बढ़ाने है। वास्तव में मनुष्य बहुत कीमती है, क्यों? मनुष्य सब उपार्जन करता है, उपयोग करता है, सबकी व्यवस्था करता है, तो वो बहुत उपयोगी है। और मनुष्यों में श्रेष्ठ है विवेक, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, भला बंदा मूर्ख दिशा, ऐसे सबका उपयोग करता है, सबको यथायोग करता है, ऐसे मनुष्य मनुष्य में विवेक बड़ा है। विवेक से बड़ा है सत्य तत्व, उस तत्व से बड़ा है परमात्मा है, परमात्मा से आगे कोई बड़ा नहीं है, वो बड़े की आखिरी हद है। इस वास्ते त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव वस्तु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, वो सब कुछ है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर ये सब चीजें ठीक ही हो जाती है, जो आदर है, मान है, सत्कार है, जीना है, योग्यता है, विलक्षणता है, विद्या है, कला है, कौशल है,
तरह तरह के हुनर है, तरह तरह की लिपियां है, तरह तरह की भाषाएं है, बहुत विचित्र विचित्र चीजें है। वे सब के सब सीख रहे तो भी वो सर्वज्ञ नहीं होता। और भगवान के लिए भगवान कहते यो माम वयोमसं मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद। जो असमूढ़ मनुष्य ज्ञानी मेरे को पुरुषोत्तम जान लेता है वो सर्वविद है, सब जान लिया उसने। एक परमात्मा के जानने से सब जान लिया। फिर वो सर्वभावेन माम भजति, ये फल बताया है कि सर्वोपरि मेरे को जानता है, वो मेरे भजन में ही लग जाता है। आखिरी वो है, उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। उस परमात्मा के भजन में लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो आदमी को नींद नहीं आती तो बोल ही लेते हैं। नींद में क्या विलक्षणता है, संसार से संबंध छूटता है, भूलता है संसार को। जागे तो सफर में संसार को नहीं भूलता, गाढ़ नींद में संसार को भूलता है। संसार के भूलने पर उसे शरीर में ताजगी आती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, इंद्रियों में मन में बुद्धि में विलक्षण शक्ति आती है, शांति मिलती है, निरोगता होती है। वस्तुओं के संयोग से कृश होता है शरीर, अस्वस्थ होता है मन की बुद्धि की इंद्रियों की शरीर की शक्ति क्षीण होती है। अरे जब भूलने से ही ताजगी आ जाती है तो इनका हृदय से त्याग हो जाए तो जो नाशवान वस्तु है, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु है, इससे ऊंचे उस जाए परमात्मा तत्व को जान ले, परमात्मा का प्रेम हो जाए, उसका बोध हो जाए तो ये सब चीजें रद्दी हो जाती है। धन दरिया व्यापे नहीं नींद भूख और प्यास, उस परमात्मा के भजन में तल्लीन हो गए है। लोगों ने कहता है भूख प्यास और नींद नहीं आती, न भूख लगती न प्यास लगती, शरीर में ऐसी विलक्षणता हो जाती। कितनी विचित्र बात है। लोग जिस नींद के लिए तैयारी करते हैं, बिछौना बचाते हैं, बहुत नरम नरम तकिया लगाते हैं, गाल मसूरिया में लगाते हैं, गोड़ों के नीचे तकिया देते हैं, पसेरी देते हैं, सुगंधी करते हैं, उसमें सुंदर हवा भी लग जाए, कझारा हो तो बढ़िया, नरम नरम हल्की हल्की रजाई ओढ़ लेते हैं, नींद आती है। ऐसी तरह से नींद के लिए सामग्री करते हैं। और सच्चे हृदय से भगवान नाम जपने वाले वैरण हो रही नींदरिया, जो नींद दुनिया को शांति देती है वो नींद तो वैरण हो गई। मैंने ऐसे संत देखे हैं, वो मिले हैं, वो कहते थे हम भजन करते राम 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 करते, पर नींद ज्यादा आती तो एक पत्थर यहाँ दे देते कमर नीचे और सो जाते लट जाते दोनों तरफ। पर मतलब है कि ज्यादा नींद न आ जाए, ज्यादा देगा जब नींद आ जाती है, फिर पत्थर कमर में दिया हुआ है तो शांति शांति उठकर राम नाम भजन करने लग जाती। तो नींद को लोग चाहते हैं, वो नींद वहाँ विघ्न होता है भजन में। तो कितनी विलक्षणता है भजन में, इस भगवान के याद करने में, परंतु उनको जाने में ही जाने। सोना चांदी ये बढ़िया चीज है, मोरों की थैली रख दो कुत्ता पेशाब करके चला जाएगा, तो अर्थ क्या हुआ कि कुत्ता जानता नहीं है मोरों में कितनी चीज भरी है। रोटी खा लगे तो रोटी कितनी भरी है मोरों में, पर तो जानता नहीं। इस तरह से लोगों को इस बात का पता नहीं है कि भगवान क्या चीज है। उसमें तल्लीन होने वाले इंद्रासन का राज्य भी कुछ नहीं, ऐसा मानते।
पर राजा त्रिलोकी का अधिपति वो राज्य कुछ नहीं। एक समय है इंद्र घूमता हुआ मृत्यु लोक में चला गया, वहां दध्यम ऋषि बैठे थे, दधीची जिसके वंश में दधीच ब्राह्मण है वो दधीची ऋषि मस्ती में बैठे थे। तो इंद्र ने पूछा कि महाराज आपके पास कुछ नहीं, जंगल में बैठे अकेले और पृथ्वी इतने खुश और प्रसन्न है आप, हमारे पास त्रिलोक का राज है वो भी, मेरे को इतनी प्रसन्नता नहीं देता, आप इतने प्रसन्न किस पर हो रहे हैं? भाई वो परमात्मा तत्व है उसमें आप मस्त रहते हैं कि महाराज वो हमारे को बताओ दे दो। कर तू उसका अधिकारी नहीं है, गधा जिस राख में लोट करके रस लेता है वो तुम सुंदर सैया पर वो रस ले रहे हो और इंद्राणी के साथ रस लेते हो, वो कुत्ता एक कुतिया के साथ रस लेता वो तुम्हारा रस है। तुम बढ़िया बढ़िया अमृत भोजन करते हो, जो रस आता है वो सूअर को एक मेले में आता है, तो सूअर को तो गले के सुख से तुम्हारा सुख कोई बढ़िया नहीं होता ही सुख है। इंद्र को गुस्सा आ गया कि मेरी निंदा करते हो, तुम जो ब्रह्म विद्या की महिमा करते हो मैं पात्र नहीं हूँ, मेरे से बड़े त्रिलोक में कौन है जो ब्रह्म विद्या का पात्र हो, और किसी को ब्रह्म विद्या दी तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। तो बहुत ठीक, उससे पहले अश्विनी कुमार आए थे, उन्होंने कहा कुमार हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं, तो कहा तुम जाओ तपस्या करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। तपस्या में गए, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आए तो कहा अभी कमी है फिर जाओ। गए तीन बार ऐसे भेजे, सौ सौ वर्ष कितना याद नहीं है, तब वर्ष तक करी तपस्या, फिर आए तो कहा कि अब हमारो पात्र ब्रह्म विद्या दो। कि बात एक बड़ी मुश्किल हो गई, क्या इंद्र ने कह दिया किसी को भी ब्रह्म विद्या दो गई, मेरे समान भी कोई अधिकारी नहीं है त्रिलोकी में, तो मेरे से बढ़कर कौन होगा, इस वास्ते किसी को ब्रह्म विद्या दी तो मैं सिर काट लूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं है, हमारे को आज्ञा हो जाए तो आपका सिर हम काट लें, क्यों सिर काट कर कहाँ फेंक देगा पता नहीं, हमें देवताओं को भेज दिए जो आपका सिर पीछे लगा देंगे। दर्शी जी ने कहा तुम और देर कहीं जाकर विद्या ले लो, कहते हमारी आप में श्रद्धा है ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिखता नहीं कोई, तो सिर काट ले काट लो। सिर काट कर रख दिया, एक घोड़े का सिर रख दिया ऊपर, उसने वो ब्रह्म विद्या दी, ब्रह्म विद्या देने लगे इंद्र को पता लगा, वो काट कर फेंक दिया कुछ मिला नहीं कहीं गया। तो अश्विनी कुमार ने दधी का दधीसी का खास रिश्त सिर ऊपर रंग दिया और बजाने लगे। तब इंद्र आया कि तुम्हारा सिर काटने का भाई फांसी एक बार ही होती है, दो बार नहीं होती, तुमने सिर काट लिया अब विद्या दे, तो फिर इंद्र चुप हो गया। तो ब्रह्म विद्या ऐसी विलक्षण है कि जो इंद्र को भी कुपात्र बना दे, तो पात्र नहीं हो इसलिए, ऐसी ब्रह्म विद्या मनुष्य मात्र को मिल सकती है। इंद्र को भी दुर्लभ है, ऐसी ब्रह्म विद्या आपको हमारे को सबको मिल सकती है, ये भगवान ने कृपा की। इस वास्ते मनुष्य जन्म भी बहुत महिमा है, मनुष्य शरीर मिल गया तो इससे बढ़कर और क्या होगा, ऐसा बढ़िया मानव शरीर मिला है। अरबो ताश ओपर थे तमाशा हंसी दिल लगी, वीडियो थिएटर देखने में घुमा देते हैं, चिलम तमाकू भांग सरस बीड़ी सिगरेट पीने पीने खत्म कर देते हैं,
जिस समय से कीमती परमात्मा तत्व से बढ़कर कोई नहीं, वो परमात्मा मिल सकते हैं नहीं, दास हो सकते हैं। छसिया बरसात में नाश नचावत, ऐसा भगवान का प्रेम है जो भगवान को परवश कर दे। उस प्रेम की प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है। इतना बड़ा भारी लाभ हम ले सकते हैं, वो मौका हमारे को मिला है। अब वो जा रहा है, प्रत्येक क्षण खत्म हो रहा है और समाप्त होने पर फिर जी नहीं सकेंगे। जितना जीने का समय है उतना ही जी सकते हैं, वो समाप्त होने पर फिर जी नहीं सकते। जैसे चाबी भरा हुई गाड़ी घड़ी, वो चाबी है जितने चलती है, चाबी खत्म होने पर बंद हो जाती है। ऐसे चाबी भरी हुई जितने श्वास चलते हैं, ये चाबी खत्म होने पर मर जाएंगे। घड़ी की तो चाबी भरने आती, दूजी भर देंगे, पर ये भरना आता नहीं है। ये श्वास सत्व होने पर तो मरना ही पड़ेगा। इतनी कीमती चीज हमारी मुफ्त में जा रही है, इस वास्ते हरेक भाई को चेत करना चाहिए कि ऐसा मनुष्य दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर, भागवत में आता है दुर्लभ हो मानसो देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, रामायण ये कहते दुर्लभ साध। भागवत में लब्ध्वा सुदुर्लभ मेदम बहु संभवान थे, बहुत से जन्मों के बाद अत्यंत दुर्लभ शरीर ये मिला है। तो इस शरीर से लाभ लेना चाहिए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए। भगत भी, भगवान भी कहते हैं, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का मुकुट मणि बन जाए। सबसे बड़े भगवान से बड़ा कोई नहीं, वो जिसको मुकुट मणि बनावे वो पदवी मनुष्य को मिल सकती है। ऐसा बड़ा सुंदर अवसर है, केवल लालसा उसके लिए, लालसा केवल उत्कट अभिलाषा, इच्छा मात्र से परमात्म मिलते हैं, संसार की वस्तु नहीं मिलती। रुपये पैसे कुटुम धन जमीन जायदाद ये चाहने मात्र से नहीं मिलती। चाहना हो और फिर उद्योग करे और प्राग्ध अनुकूल हो तो मिलता है, तीनों के बिना प्राग्ध धन अनुकूल नहीं है। चाहना भी बहुत है, चेष्टा भी बहुत है, पर घाटा लग जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। प्राप्त साथ देता है जो कि परम से हम क्या करें, प्राप्त तो है जिसे हम क्या करें। उसमें फिर रुपयों के लिए चेष्टा करते हैं और वो चेष्टा प्राप्त के अनुसार से बिना चेष्टा भी रुपये आ जाते, रुपये आ जाते हैं, परमात्मा नहीं आते। परमात्मा तो प्रेम से प्रकट होते हैं और ये प्राप्त से आ जाते हैं। त्याग करने वालों की बातें भी मैंने सुनी है, रुपया आश्रम रह गए महाराज जी, रुपया ले लो, करो काम करो ना भाई। एक बाबा थे हांडी वाले बाबा, हांडी पास में, तो बिना सुनवाए जारी है, बोरिया है ना, बोरिया वाले भेड़ है, उनमें बैठे बैठे थे, भिक्षा लाल तो गाँव में जाते पाले थे, वहां पर भजन करते रहे। उनसे कहा किसी ने कि महाराज रुपये बढ़े तो प्रसंग चला, तो उसने कहा कि देखो, कहा कि साधु से कहा कि महाराज आप हमारे रुपये ले लो, किसी अच्छे काम में लगा दो, लगा देना ले लो, हमारे जरूरत नहीं लगना और कहीं लगा देना। तब बाबा बोले तेरे बाप का नौकर हूँ, जो तेरा रुपया लगा दू। तो बोले कि ये साधु कहते मैं क्यों लगा दू, तू लगा अच्छा काम है तेरा। एक बाबा धूनी वाले बैठे थे, आग जग रहा है, तो एक आया कि महाराज आग दे दो, मैं थोड़ी सी तो चिमटे से उदा कर उसको आग दे दिया। तो चिमटे को क्या मिला, काला मुंह हुआ
और तपा लिखा क्या मिला, तेरे से लेकर के आग दूसरे को दूं तो वो तू जले वो जलेगा और मेरे को तो सिमटे से काला मुंह होगा तपत होगी भाया, ऐसा काम मैं करूंगा। जिन लोग बहुत ध्यान बढ़ते हैं वो तो संत कहते काला मुंडा होगा, लोगों से लेकर दुन दान करते हैं पुण्य करते हैं। धर्मार्थम ये वरन तस्ता धर्म के धन के धर्म के लिए भी धन का संग्रह करे, उससे धन का संग्रह न करना चाहे। प्रखर नाथ दीपंकर जी दूरा 10 प्रश्न नंबर नारी में काटा है वो लगा लो, फिर अपने घर में कल चलती है उसे धो लो। अरे धोना है तो फिर लगावे क्यों, पैसा ले करके दान में पुण्य लगा दे तो भाई लगावे क्यों, कादा फिर धोना पड़े पीछे, और जितना कादा लगेगा उतने पानी से कादा डूबेगा, नहीं 2-4-5-10 गुना पानी लगा तो डूबेगा, फिर भी उसमें भीतर में कादे का कस बैठ जाएगा, मैल उतरेगा नहीं। तो इस वास्ते भाई धर्म के लिए भी धन की इच्छा करना है बहुत बड़ी मूर्खता है। तो कीमती कितने परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, इतने ऊंचे जा सकते हैं।